नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज का डिफेंस समाचार को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों आप सब जानते हैं कि डीआरडीओ और एलएनटी स्वदेशी रूप से एक लाइट टैंक को तैयार कर रहे हैं जो कि इस साल तक रोल आउट हो जाएगा। और अब ये कहा जा रहा है कि ये टैंक न केवल रोल आउट होगा बल्कि इसको तेजी से भारतीय सेना को भी सौंपा जाएगा जो कि इसके ट्रायल्स करेगी। और ये जो ट्रायल्स है दोस्तों उसे एलएसी के हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में किया जाएगा, क्योंकि लाइट टैंक की आवश्यकता आप सब जानते हैं कि हमें पहाड़ी इलाकों में युद्ध करने के लिए चाहिए। और भारतीय सेना करीबन 18 से 24 महीने इनका ट्रायल करेगी, जिसके बाद इन लाइट टैंक्स की 45 यानी कि 45 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया जाएगा एलएनटी के द्वारा और पहली रेजिमेंट तैयार होगी और बाकी के 270 यूनिट्स मेक वन कैटेगरी के तहत तैयार किए जाएंगे। हालांकि दोस्तों भारतीय सेना 18 से 24 महीने जो ट्रायल का लेगी इन टैंकों का, इस समय को थोड़ा सा और कम कर देना चाहिए ताकि जो पहली रेजिमेंट है इन लाइट टैंक्स की वो जल्द से जल्द हमें मिल सके, क्योंकि चाइना सर पर बैठा हुआ है। डीआरडीओ के एरोनॉटिकल सिस्टम के महानिदेशक ने गोदरेज एंड बॉयज सुविधा में ड्राई कावेरी इंजन मॉड्यूल के निर्माण का उद्घाटन किया है। दोस्तों पिछले साल यानी कि 2022 में गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने गोदरेज एरोस्पेस को आफ्टर बर्नर के बिना 48 यानी कि 48 किलो न्यूटन ड्राई कावेरी इंजन के 8 यानी कि 8 मॉड्यूल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के लिए डीआरडीओ के द्वारा विकसित किए जा रहे मानव रहित स्ट्राइक विमान यानी कि अनमैन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट में 48 किलो न्यूटन ड्राई कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। गोदरेज एरोस्पेस ने कहा है कि वो इन इंजनों को 2023 के अंत तक या 2024 की शुरुआत तक डीआरडीओ को वितरित कर देगी। ड्राई कावेरी इंजन का हाल ही में रूस में उच्च ऊंचाई वाले परीक्षण इसके किए गए हैं और वर्तमान में इस इंजन के जो परिणाम सामने आए हैं उसका विश्लेषण डीआरडीओ के द्वारा किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि इसके शुरुआती परिणाम काफी अच्छे थे और इसकी और अधिक परीक्षणों की योजना बनाई गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि AMCA प्रोग्राम को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों अब अमेरिका भी भारत के AMCA प्रोग्राम में शामिल होना चाह रहा है। मैं आपको बता दूं कि बोइंग इंडिया का ये विचार है कि वो भारत के AMCA प्रोग्राम में भाग लेगी, जिसे कि आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम को स्पेशल पर्पस व्हीकल रूट के तहत एग्जीक्यूट किया जाएगा, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भाग लेंगी। और अब बोइंग इंडिया स्पेशल पर्पस व्हीकल रूट मॉड्यूल का अध्ययन करेगी और अगर ये फिजिबल होता है तो बोइंग इंडिया भारत की सब्सिडियरी होगी जो कि इंडियन फाइटर जेट प्रोग्राम में भाग लेगा और HAL AMCA के करीबन 5 प्रोटोटाइप्स का निर्माण करेगा, जिनका डेवलपमेंटल और फ्लाइट ट्रायल अगले 6 सालों में होगा और 2032 तक ये उत्पादन में आ पाएगा। और कहा यह जा रहा है कि HAL को शुरुआत में AMCA के 140 यूनिट्स का ऑर्डर मिलेगा जो कि बाद में 200 यूनिट्स पार कर जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जान रहे हैं कि भारत रॉकेट फोर्स पर काम कर रहा है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि भारत को हजारों की संख्या में कम लागत वाली यानी कि लो कॉस्ट सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों भारत चाइना को ध्यान में रखते हुए अपने सशस्त्र बलों के चौथे विंग की स्थापना कर रहा है। दोस्तों भारत की रॉकेट फोर्स न्यूक्लियर या फिर कन्वेंशनल वॉरहेड ले जाने वाली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से लैस होगी। पिछले 2 दशकों में भारत के परमाणु और पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की क्षमताओं में काफी सुधार हुआ है और ICBM भारत का परमाणु शस्त्र भी है और भारत ने अभी हाल ही में 250 और परले बैलिस्टिक मिसाइलों को खरीदने का ऑर्डर दिया है और इस मिसाइल में एडवांस गाइडेंस सिस्टम लगाया गया है जो कि अपने टारगेट को एक्यूरेटली भेज सकती है, वो भी हाई प्रिसीजन के साथ, जो इन्हें भारत की रक्षा क्षमताओं के लिए फोर्स मल्टीप्लायर बनाती है। दोस्तों परले और ब्रह्मोस मिसाइलों की अगर मैं बात करूं तो इनका इस्तेमाल छोटे लक्ष्यों पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये महंगी मिसाइलें हैं। इनका इस्तेमाल केवल हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए किया जाएगा, इसलिए भारत चाहता है कि उसके पास अलग अलग क्लासेस के हथियार हो जिनका इस्तेमाल लो वैल्यू टारगेट्स के खिलाफ किया जा सके। ऐसे में दोस्तों लो टियर मिसाइल के रूप में महेश्वरास्त्र 1 और 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम्स आते हैं। इसके अलावा भारत अपनी सबसोनिक क्रूज मिसाइलों की रेंज 500 से 2000 किलोमीटर तक भी करना चाहता है, जिसके लिए भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट देगा ताकि तेजी से इनका उत्पादन किया जा सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना प्रमुख ने वायु शक्ति की आवश्यक भूमिका पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बालाकोट हवाई हमले जैसे ऑपरेशनों ने दिखाया है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति को देखते हुए एरोस्पेस पावर को प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा एयर चीफ मार्शल ने कहा कि भारत की सुरक्षा चिंताओं के लिए यह आवश्यक है कि वो पर्याप्त सैन्य शक्ति स्थापित करे जिसमें कि प्रतिरोध हासिल करने की क्षमता हो, सूचना का प्रभुत्व सुनिश्चित हो, जरूरत पड़ने पर जबरदस्ती और कई प्रतिक्रिया विकल्प प्रदान करे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI के इंटरनेशनल ऑपरेशंस डिवीजन के असिस्टेंट डायरेक्टर
रेमंड डूडा भारत की राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं और भारत में कानून प्रवर्तन एजेंसी के साथ उनकी मुलाकात होगी। इस दौरान खुफिया अधिकारियों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते भी किए जाएंगे। दरअसल दोस्तों, भारत में अमेरिकी दूतावास ने ट्वीट करके इस बात की पुष्टि की है और वो भारत की कई एजेंसियों के साथ भी मुलाकात करेंगे और आपसी सहयोग को बढ़ाएंगे। FBI के ऑफिस अमेरिका के साथ साथ बाहर भी हैं और ये अमेरिका के सहयोगी देशों की एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है, खास करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में FBI का काम काफी सराहनीय रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय एजेंसियों के साथ FBI अधिकारी के एंटी टेररिज्म, साइबर क्राइम, विदेशी खुफिया गतिविधियों, उच्च तकनीक अपराधों, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपराधिक संगठनों के खिलाफ एक दूसरे के साथ जानकारी साझा करने को लेकर समझौता हो सकता है। फिलहाल इस बात की पुष्टि ना तो भारत की तरफ से की गई है ना ही अमेरिका की तरफ से। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हिमालय के बौद्ध नेताओं के एक ग्रुप ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया और ये पहली बार है कि जब हिमालयी बौद्ध नेताओं ने सीमावर्ती इलाकों में इतनी बड़ी संख्या में एक साथ दौरा किया है। इस बैठक में करीबन 600 प्रतिनिधि हिस्सा बने। ये बैठक हिमालयी बौद्ध के साथ एक मजबूत रिश्ते को भी दर्शाता है। दोस्तों, जैमीथांग अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर भारत का आखिरी गांव है। दोस्तों, इस सम्मेलन की खास बात ये थी कि इसमें हिमालयी राज्यों के सभी प्रतिनिधि हिस्सा बने, जिसमें कि लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, उत्तर बंगाल, डेसा, दक्षिण भारत, मठ जैसे विभिन्न हिस्सों से लोग शामिल हुए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, ताइवान अब चीन के खतरे को देखते हुए अपनी तैयारियों को लगातार बढ़ा रहा है। ताइवान अब चीनी नौसेना से निपटने के लिए अमेरिका से 400 हार्पून एंटीशिप मिसाइलें खरीदने वाला है और इन मिसाइलों को ताइवान जमीन से भी ताक सकता है। हार्पून को तैयार करने वाली कंपनी बोइंग और अमेरिकी नेवल एयर सिस्टम कमांड के बीच ताइवान के लिए इन मिसाइलों का समझौता हुआ है। ऐसा पहली बार होगा जब ताइवान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम जमीन आधारित हार्पून मिसाइलें मिलने वाली हैं। इससे पहले ताइवान ने अमेरिका से युद्धपोत के जरिए दागे जाने वाली हार्पून मिसाइलें खरीदी थी। ताइवान के राष्ट्रपति ने अमेरिकी नेताओं से अनुरोध किया है कि उन्हें जल्द से जल्द इस हथियार को मुहैया कराया जाए। हार्पून के अलावा ताइवान अमेरिका से F-16 फाइटर जेट और MK-48 टॉर्पीडो भी खरीदना चाहता है। दोस्तों, अगर आप ITBP एनिमल ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल 2023 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हम आपको सबसे बेस्ट बुक के बारे में बता रहे हैं, जो कि चक्षु प्रकाशन की है और ये बुक एनिमल ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल परीक्षा के लिए मौजूद है। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट पेपर्स और 1950 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और ये 100% सिलेबस के अनुसार है। ये बुक काफी बेहतर मानी जाती है। इसमें प्रैक्टिस सेट्स हैं और इन प्रैक्टिस सेट्स को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सब सिलेबस के अनुसार ही हैं। ये बुक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मिल सकती है। ऑनलाइन ये बुक आपको Amazon और Flipkart पर मिल सकती है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आप इस किताब को खरीद सकते हैं। इस किताब का ऑर्डर आप जरूर कीजिएगा ताकि एग्जाम की बेहतर तैयारी आप कर सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अब अमेरिका में भी चीनी पुलिस स्टेशनों की बात का खुलासा हुआ है। दरअसल अमेरिका ने एक चीनी पुलिस स्टेशन का खुलासा करते हुए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में चीन के 40 अधिकारियों के खिलाफ आरोप भी दायर कर लिया गया है। कहा यह जा रहा है कि चीन की ओर से न्यूयॉर्क शहर के मध्य में एक गुप्त पुलिस स्टेशन तैयार किया गया है, जो कि अमेरिका की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना कम से कम 53 देशों में 102 पुलिस स्टेशन बना चुका है और ऐसा कहा जा रहा है कि इनके जरिए वो निगरानी कर रहा है। अभी हालांकि दोस्तों, ये अमेरिका, यूरोपीय देशों में इस तरह की घटनाएं आ चुकी है तो हमें अब भारत के बारे में भी सोचना चाहिए। क्या पता भारत में भी चीन का पुलिस स्टेशन काम न कर रहा हो। हालांकि इतना संभव नहीं है क्योंकि हमारे देश की पुलिस सदाबहार है। दोस्तों, भारत का गगनयान मिशन एक बार का अभियान नहीं होगा क्योंकि सरकार ने सतत मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। इसरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी है। इसरो की तरफ से कहा जा रहा है कि गगनयान के बाद के अंतरिक्ष मिशन में चिकित्सक और वैज्ञानिक जैसे नागरिक शामिल हो सकते हैं। यानी उन्होंने बताया कि मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन को अगले साल के अंत में प्रक्षेपित किए जाने की योजना है। यही नहीं, उन्होंने बताया कि इस उड़ान के लिए भारतीय वायुसेना के 4 जो पायलट्स हैं उनका चयन किया जा चुका है। वे मिशन के लिए व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसरो की तरफ से कहा जा रहा है कि गगनयान मिशन एक बार वाला अभियान नहीं होगा क्योंकि सरकार ने अब इसके निरंतर उड़ान कार्यक्रम को भी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इस मिशन के लिए गैर पायलट लोग भी शामिल होंगे, जिनमें नागरिक, महिलाएं, चिकित्सक और वैज्ञानिक शामिल होंगे। इसरो की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष मिशन शुरू करने के लिए उम्र कोई सख्त मानदंड नहीं है क्योंकि प्रशिक्षण सत्र के दौरान व्यक्ति को फुर्तीला, स्वस्थ और प्रक्रियाओं को आसानी से समझने में सक्षम होना चाहिए। तो फिलहाल ये तब तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब आपको किस सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।